सेक्शन क्यू क्यू बी डिडक्शन ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स. अगर किसी की रॉयल्टी इनकम होती है तो उसे डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 क्यू क्यू बी में. ये डिडक्शन अवेलेबल है केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को. तो ध्यान रखना है आपको, केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलेगी. हु इज ऑथर और जॉइंट ऑथर और सर्टेन बुक्स अदर देन द टेक्स्ट बुक्स. तो टेक्स्ट बुक्स जैसे कि जो स्कूल वगैरह में चलती, इन बुक्स की बात नहीं हो रही है, अदर देन टेक्स्ट बुक्स की बात हो रही है. द बुक शुड बी द वर्क ऑफ लिटरेचर, आर्टवर्क और साइंस फिक्शन इन नेचर. तो तीन टाइप की बुक्स हैं जो इसमें कवर की गई हैं. The deduction is not available in respect of the royalty income from the textbooks for schools, guides, commentaries, newspaper, journal, pamphlets and other publication of similar nature. तो इस टाइप को कवर नहीं किया गया है. If royalty income is earned from outside India, then the forex, मतलब foreign exchange, should be brought into India within 6 months from the end of previous year or such extended time period as per allowed by RBI. इसका मतलब आपने अगर रॉयल्टी इनकम कमाई है इंडिया के बाहर से तो आपको डिडक्शन तो मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में प्रीवियस ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर लाना पड़ेगा. अगर आप इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाते नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी. आप चाहें तो आरबीआई से टाइम थोड़ा बढ़वा सकते हैं, उस बढ़े हुए टाइम में आपको फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना पड़ेगा. द इनकम मस्ट बी ईदर लमसम कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ द बुक. सपोज मैंने कोई लिटरेचर लिखा और मैंने पूरा लमसम के बदले में वो कॉपीराइट दे दिया किसी पब्लिशर को, या रॉयल्टी है कि जैसे पर बुक सोल्ड कुछ परसेंटेज मुझे रॉयल्टी मिलती है, तो उस टाइप का भी इनकम हो सकता है. जो डिडक्शन होगी वो कम से कम क्या, या तो एक्चुअल रॉयल्टी इनकम या ₹3 लाख या 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. इन अदर वर्ड्स, अगर 15% ऑफ बुक से ज्यादा रॉयल्टी मिलती है तो वो नहीं ली जाएगी. हाउ एवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर रॉयल्टी इज रिसीव्ड इन लमसम कंसिडरेशन. 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड तभी लेंगे जब वो रॉयल्टी बुक सोल्ड के बेसिस पर मिलती है. अगर लमसम है तो फिर हमारा सी पॉइंट नहीं आएगा, सी पॉइंट एप्लीकेबल इसमें नहीं होगा. मिसिज एक्स हैं, ऑथर हैं साइंटिफिक नेचर की बुक की, और प्रिंट प्राइस बुक का ₹500 है, 2000 बुक बिकी हैं, उन्हें 50% की रॉयल्टी मिली है. शी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम स्टेट बैंक बैचलर डिग्री के लिए और इन्होंने रीपेमेंट करा प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का स्टेट बैंक को. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. शी हैज पेड ट्यूशन फी फॉर हर सन फॉर होल टाइम एजुकेशन 3000. हमें इनकम और टैक्स लाइबिलिटी निकालना है. हेडिंग डाल लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ Mrs. X for the assessment year. तो इनकी जो इनकम है वो केवल रॉयल्टी की इनकम है ना. तो हम इनकम निकालते हैं, रॉयल्टी की इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है. ₹2000 बुक भी की है, 500 का प्राइस है, 50% की रॉयल्टी मिली है ना. तो कितनी इनकम हो गई इनकी, 5 लाख.
ग्रॉस टोटल इनकम भी 5 लाख हो गई, लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C280U, इन्होंने बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस दी है और जो ट्यूशन फी है वो एलिजिबल पेमेंट है 80C की डिडक्शन के लिए, तो 3000 की 80C की डिडक्शन इन्हें मिल जाएगी। इन्होंने एजुकेशन लोन की पेमेंट करी है, उस पर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है 80E में 20,000 रुपये। इसके अलावा इन्हें 80QQB की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि इन्होंने रॉयल्टी इनकम है इनकी और उस सिचुएशन में इन्हें डिडक्शन मिल जाती है। इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट थे, क्या क्या थे 3 पॉइंट, 100% ऑफ अमाउंट विच इज 5 लाख, नंबर 2 3 लाख, नंबर 3rd पॉइंट था 15% ऑफ प्राइस ऑफ बुक सोल्ड 2000 × 500 × 15% 1 लाख, विच एवर इज मिनिमम 1,50,000, 1,50,000, 3,000, 20,000, 1,73,000 की इनकी टोटल डिडक्शन है, तो इनके लिए टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 3,27,000 इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं, टैक्स 2,50,000 पर निल, और 250 से ऊपर कितना हो गया 77,000 पे 5% 3,850 लेस हो जाएगी रिबेट अप टू रुपीज 12,500 अंडर सेक्शन 87A 3,850 की कोई टेंशन नहीं है और टैक्स लाइबिलिटी इनकी हो जाएगी निल। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर एक्स एक राइटर हैं और साथ में प्रोफेशनल है, उन्होंने इंफॉर्मेशन बता रखी है कि उन्हें रॉयल्टी मिली है बुक्स पर जो सेक्शन 80QQB में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है 42,000, उसके लिए इन्होंने एक्सपेंसेस करें 8,000, प्रोफेशन की इनकम है 4 लाख और डिपॉजिट किया इन्होंने PPF में 70,000। हमें इनकम निकालना है और टैक्स निकालना है, तो हेडिंग डाल लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 4 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रॉयल्टी इनकम है 42,000, इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं ये मानते हुए कि एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं 8,000 की डिडक्शन मिल जाएगी तो 34,000 रुपीज की इनकम आ जाएगी हमारी, तो टैक्स से टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम 4,34,000, इसमें से लेस होगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C280U और इसमें 80C है जो PPF में पैसा डिपॉजिट किया है
70,000 अप टू 1,50,000 मिल सकती है, और ATQQB में हमारी इनकम है रॉयल्टी की। अब रॉयल्टी की इनकम के लिए हमें ध्यान रखना है कि 34,000 ही हम लोग ले सकते हैं। इससे पहले अगर हम इसके पॉइंट देखें तो हमारे पास है 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम 34,000, 3 लाख, या फिर 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम 34,000 ही डिडक्शन दे पाएंगे यहाँ। तो टोटल जो डिडक्शन है वो 1,04,000 की हो गई और 3,30,000 टैक्सेबल इनकम हो गई। ठीक है, इस पर टैक्स निकालते हैं, 2,50,000 पर निल और 80,000 पर 5%, 4,000 का टैक्स हो गया। सरचार्ज और सेस लगाने से पहले हम इस पर एलिजिबिलिटी देखेंगे रिबेट की, अंडर सेक्शन 87A, जो कि 12,500 और 4,000 विच एवर इज लेस। इफ टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो 4 लाख की आपको रिबेट मिल जाएगी और टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, टैक्स हो जाएगा टैक्स पेबल नील। बिल्कुल पिछले टाइप का सेक्शन है, ATRR भी है यहाँ, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगेन रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, हु इज रजिस्टर्ड एज ए फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशन दैट इज ए पेटेंटी। मतलब अगर आपने पेटेंट कराया अपने नाम पर, और पेटेंट आपके नाम पर तभी होगा जब आपने नई चीज इन्वेंट करी है। This patent should be registered on or after 1/4/2003 under the Patent Act 1970. If royalty income is earned from outside, तो वही है 0.4x 6 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। असल में होता यह है कि जब आप पेटेंट करा लेते हैं तो किसी और को उस पेटेंट की चीज यूज करने या बनाने के लिए आप बदले में रॉयल्टी लेते हैं, उस रॉयल्टी पर आपको डिडक्शन मिलेगी। तो रॉयल्टी की अमाउंट होगी 100% ऑफ रॉयल्टी, जैसे पहले था 3 लाख, जैसे पिछले में था, बस यहाँ पर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी फिक्स्ड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है थर्ड पॉइंट, बाकी सबको वही है। तो बिल्कुल हमारा पिछले सेक्शन की तरह है ये भी, थोड़ा सा बस उसमें फर्क है कि वो ऑथर के लिए है और ये पेटेंट पर है। मिस्टर एक्स को रॉयल्टी मिला है 5 लाख का पेटेंट के लिए, इसके अलावा इन्होंने 30,000 पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करा है, मेडिक्लेम पॉलिसी की पेमेंट करा है और LIC का पेमेंट करा है, रीपेमेंट हाउसिंग लोन है और पेमेंट है LIC पेंशन फंड में 80CCC में। तो हमें टोटल इनकम निकालनी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। इनकी जो इनकम है वो केवल और केवल 5 लाख रुपए की इनकम है ना, वो भी पेटेंट से जो रॉयल्टी मिली है। तो ये जो इनकी इनकम होती है रॉयल्टी की इनकम, वो अदर सोर्सेस में हमारी टैक्सेबल हो जाती है। पेटेंट इनकम 5 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम भी 5 लाख आ जाएगी, लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C-80U। इन्होंने मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट करी, ठीक है, 80। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करा,
एटी जी जी सी, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को एटी जी जी सी में मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी है एटी सी, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है एटी सी, पेमेंट है एल आई सी एटी ट्रिपल सी। तो हमें सीक्वेंस में ही लिखना होगा, तो सबसे पहले एटी सी लिखते हैं। एटी सी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपये का पेमेंट है, और मई 2017 में है, 1,00,000 रुपये की पॉलिसी है, 25,000 रुपये की हमने पेमेंट करी। तो पॉलिसी हमारी 2017 में है, इशू करी गई है, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10% है पॉलिसी अमाउंट का। तो पॉलिसी अमाउंट 25,000 है, पॉलिसी वैल्यू 1,00,000 है, 1,00,000 का तो 25,000 रुपये या 1,00,000 का 10% विच एवर इज लेस, तो इन्हें 10,000 रुपीज की अमाउंट एलिजिबल है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम के लिए। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है इंडियन बैंक का, तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हमारा 50,000, ये हाउस लोन पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट आती है एटी सी में 50,000, तो 60,000 रुपये की तो एटी सी में डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 1,50,000 तक की हमारे पास लिमिट है। एटी ट्रिपल सी एल आई सी पेंशन फंड, एटी ट्रिपल सी 20,000 रुपये, दोनों की सी और ट्रिपल सी मिलाकर भी 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी लिमिट के अंदर है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सेक्शन 80D ATD है जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्होंने मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट सन के लिए पेमेंट करी। तो क्या हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की पेमेंट के लिए मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट सन आ सकता है? वहां पर क्या वर्डिंग लिखिए 80D के लिए। अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से सेक्शन 80D, वहां लिखा है सम ऑफ प्रीमियम कैन बी पेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहां मेजर माइनर मैरिड अनमैरिड सन डॉटर की बात नहीं है, यहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात। तो यहां डिपेंडेंट चाइल्ड को मिलेगा, इंडिपेंडेंट चाइल्ड के लिए डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 80D में डिडक्शन नॉट एलिजिबल है ना, क्योंकि ये नॉट डिपेंडेंट है। आप लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट, तो उसको 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने 30,000 की पेमेंट करी है, तो वो मिल जाएगी, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। और लास्ट हमारे पास है इसमें सेक्शन 80RRB रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, और इसके अंदर इनको जो है अलग अलग पॉइंट है, वर्किंग नोट लिख दिया मैंने यहाँ कि वर्किंग नोट में निकाल रहा हूँ मैं, और वर्किंग नोट में निकाला डिडक्शन अंडर सेक्शन 80RRB। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअल रिसीव्ड 100% मतलब 5,00,000। सेकंड पॉइंट क्या है, 3,00,000
और थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी अप्रूव्ड होता है पेटेंट से, तो वो तो अप्रूव्ड होगा तभी मिला होगा, कुछ नहीं कहा तो। 5 लाख इन तीनों में जो सबसे कम है, 3 लाख की डिडक्शन इन्हें RRB में मिल जाएगी। टोटल कितनी डिडक्शन हो गई इनकी, 5 लाख में से लेस कर देते हैं, तो इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। कितना आ गया? 90,000।